नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स भी था कि सर मार्केट अभी कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, मार्केट इस तरीके से जो करेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली जो गिरते जा रहा है, इसके पीछे कोई इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, जो पूरा के पूरा प्रॉब्लम्स है वो वर्ल्ड मार्केट से आ रहा है। वर्ल्ड मार्केट मतलब जैसे देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो हायर लेवल में चला गया था, और देखा जाए तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गया था। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए इसराइल के साथ जो पिलिस्ताइन मतलब जो हमास के ऊपर जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके ऊपर बाकी भी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अरब कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रहा है, यूएस में भी उसके ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है। तो सोचिए, इस तरीके से सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन के लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, और इस पैनिक के ऊपर लोगों को हमेशा यही बात की चिंता पड़ जाता है कि अगर पैनिक आए कोविड के बाद फिर से शेयर गिर जाएगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। देखिए, ये बात सही भी है कि अगर युद्ध फिर से कंटिन्यू रहे, और युद्ध अगर कंटिन्यू चलता रहे और इस तरीके से बाकी कंट्रीज भी जुड़ते रहे, तो एक भारी भरकम मतलब मार्केट के ऊपर क्रैश देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आपको हैंडल किस तरीके से करेंगे, इस सिचुएशन को आप कंट्रोल किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कुछ कंपनीज के ऊपर जहां पे भारी भरकम गिरावट हुआ है, और उस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो आपको उसके ऊपर क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो टोटली एडुकेशन पर्पज में होंगे, तो इस सारे डिटेल्स को आप जानकारी के हिसाब से पाना चाहते हैं, एज एडुकेशन पर्पज में पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए जहां पे आपको अपडेट्स पहले से ही मिल जाएगा। तो देखिए, येस बैंक के बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। देखिए, येस बैंक के ऊपर पिछले दिन में 6% के आसपास करेक्शन हो गया था। तो देखिए, बैंक जिस तरीके से बैंक के ऊपर पिटाई हो रहा है, उस हिसाब से देखा है तो येस बैंक के ऊपर तो ज्यादा पिटाई होने वाला है, क्योंकि पहली तो बैंक बहुत छोटा है, और उसके बाद बैंक के ऊपर पहले ही एक नेगेटिव पॉइंट है, और तीसरी बार बैंक के ऊपर जो रिजल्ट आया वहां पे थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स है वो तो बढ़ा, ये बात तो सही है, कंपनी का सेल्स बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े, और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखा जाए तो यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर कम कहाँ पे हुआ, 2700 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार बन चुके 2800 करोड़। हाँ, आपके बात सही है, मगर एक चीज ध्यान से देना, कंपनी के जो पिछले क्वार्टर का जो मतलब प्रॉफिट था उससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। इसका मतलब जो एस्टिमेट किया जाता है, कि एस्टिमेट हमेशा किसके बेसिस में किया जाता है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में, इसका मतलब क्यू ऑफ क्यू में और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, दोनों में ही कंपनी के ऊपर एस्टिमेट किया जाता है कि इतना रिजल्ट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, मगर अल्टीमेटली वो एस्टिमेट को कंपनी क्यू ऑफ क्यू बेसिस में बीट नहीं कर पाए। तो इस कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिल सकता था, और वो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं, पिछले बार कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट में था, जो ज्यादा प्रॉफिट था, इस बार वो प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो चुके हैं। तो इस बात को आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और मार्केट गिर रहे हैं, सिर्फ ये एक कारण नहीं है, मार्केट तो ग्लोबली मार्केट के प्रेशर के भी कारण गिर रहा है, और बाकी कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, मुझे कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला, वो है कंपनी का एनपीए। देखिए, एनपी इतने दिनों तक कंपनी का 5%, 4.5%, 3.5% के आसपास देखने को मिला था, और फर्स्ट टाइम कंपनी 1% के नीचे खुद का एनपीए को लेके आए। देखिए, एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी बैंक्स और किसी भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि एनपी जितना ज्यादा होंगे उतना ही उस बैंक्स और फाइनेंस कंपनी का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि एनपी को कहा जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? देखिए, बैंक जो लोन जो बैंक जो कस्टमर को लोन देते हैं वो ही बन जाता है कंपनी के लिए एसेट। जो जो लोन बांटे हैं वो एसेट कंपनी के लिए बन जाते हैं एसेट। अभी एसेट क्यों बना? क्योंकि बैंक ने जो लोन दिया उस लोन को वो इंटरेस्ट के साथ मार्केट से उठा पाएंगे, तो इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसका पैसा भी वापस मिलेगा, यही सोचकर बैंक लोन देते हैं, और वो ही पैसा कंपनी को एसेट बन जाता है। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, मान के चलिए अभी बैंक ने 3 लोगों को लोन दिया, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 लोगों को लोन दिया, उसमें 2 लोग लोन तो वापस किया इंटरेस्ट के साथ, और एक जो व्यक्ति है वो 50% लोन मिटा पाए और बाकी 50% लोन नहीं मिटा पाए। मान के चलिए 1 लाख लोन लिया, उनमें से 50,000 रुपीज इंटरेस्ट के साथ वापस कर पाए, और बाकी वो आकर बोल रहा है कि मेरे बिजनेस डूब गया है, मैं और बाकी 50,000 रुपया दे नहीं पाऊंगा। तो ये बैंक के लिए क्या है? ये बैंक के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, और वो एसेट ही, यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं कहूंगा क्योंकि इसी चीज को बोला जाता है एनपीए।
जो इसको एनपीए दिखाया जाता है, इसको बैड डेट दिखाया जाता है कि बैंक ने जो लोन दिया था वो घाटे पे चल रहा है। तो यही परसेंटेज अगर कम होंगे तो बैंक के लिए वो खास बनेगा, खासियत बनेगा। इतने सारे चीज मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ क्योंकि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस, और फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा तभी आप उस मतलब कंपनी को वो स्टडी करके काम कर सकते हैं। अभी रही बात एज ए इन्वेस्टर, देखिए एक चीज ध्यान देना, मुझे जो जो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, इंस्टीट्यूशन क्या किया, एफएस ने क्या किया, क्वांटिटी को ऐड किया और वो भी 3% के आसपास, और डीएस ने क्या किया, वो भी कुछ क्वांटिटी या छोटे मोटे क्वांटिटी को बेचा, छोड़ ही दीजिए क्वांटिटी जो बेचा गया उसको छोड़ देता हूँ, बाइंग तो अच्छा खासा किया गया ना। तो एफएस ने क्वांटिटी ऐड किया, पब्लिक ने क्वांटिटी बेचा और इंस्टीट्यूशन ने माल को खरीदारी किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ सकता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर पॉजिटिविटी आप बोल रहे हैं और मार्केट के ऊपर तो बिग ग्रस देखने को मिला है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अब जब कोई भी पैटर्न्स बन रहा है ना उस पैटर्न को कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद कुछ काम करिए। देखिए पैटर्न कंफर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, उसके बाद क्या बना, एक हेड, उसके बाद शोल्डर बना, देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट मान के चलते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया। तो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान ही लेता हूँ इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाता तो मैं जरूर उसके ऊपर एंट्री ले लेता, मगर क्लोज नहीं हुआ और जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, तो मैंने आपको वीडियो बना के पिछले दिन ये भी शेयर किया था कि कोई भी हायर लेवल से अगर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखे, तो शूटिंग स्टार जैसे कोई भी कैंडल अगर रेजिस्टेंस के आसपास दिखे तो ये सोच लेना कि शेयर में एक भारी भरकम गिरावट होने का चांसेस है और नेक्स्ट जो लेवल है उस लेवल तक वो जा सकते हैं इजिली। देखिए वो लेवल को अचीव किया और जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है 200 डेज ईएमए को भी ब्रेकडाउन किए तो मुझे लगता है भारी भरकम एक गिरावट दिखेगा। तो येस बैंक के ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे कोई भी कंफर्मेशन ना मिले। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ईपीएल। देखिए ईपीएल एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। केमिकल दो तरीके से, एक्चुअली बहुत तरीके से होते हैं, तो मेनली जो दो तरीके से केमिकल्स को यूज किया जाता है, एक देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा देखा जाए तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर भी यूज किया जाता है। तो ईपीएल जो है उसके जो मेजर जो बिजनेस है, आप देखेंगे जो मेजर बिजनेस है वो पेस्टिसाइड के ऊपर है। तो पेस्टिसाइड्स मतलब एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, तो एग्रोकेमिकल का तो डिमांड है मगर स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड नहीं है, जिसके चलते कंपनी का जो पोजीशन है वो पोजीशन सेकंड में आ चुके हैं। पहले पोजीशन कहां पे था, नंबर वन में था, आज पोजीशन कहां पे चले हैं, सेकंड पोजीशन में। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब कोई कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका बिजनेस के ऊपर पहले ध्यान दीजिए, क्या सही में वो बिजनेस किस प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा है, किस लेवल के ऊपर कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रोडक्ट है, जो एग्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है, कौन सा जमीन में लगते हैं, कौन सा सब्जी उगाने के लिए लगते हैं, वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ ये बात आपको पता करने का जरूरत भी नहीं है, आपको से डेटा देखना है वो कितना माल बेच रहा है, कितने क्वांटिटी बेच रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका रिजर्व कितना बढ़ रहा है, वो सब कुछ आपको देखना चाहिए, जो पॉइंट्स आपको आगे चल के ग्रोथ दे सकते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जब मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो फाइनल रिजल्ट तक अभी तक नहीं आया, तो रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का रिजल्ट कब आएगा, 13 अक्टूबर में, तो उस दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए देखिए ईपीएल के ऊपर जो सिचुएशन है, देखिए सेल्स में अभी भी करेक्शन देखने को मिला और मुझे लगता है इस बार ये जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे भी सेल्स में कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े एनालिसिस ने यही कहा है कि जो इसका जो प्रोडक्ट है स्पेशलिटी केमिकल, वो प्रोडक्ट का डिमांड सिर्फ यही कंपनी के ऊपर नहीं, ऑल ओवर इंडियन कंपनीज के ऊपर पड़ा है, क्योंकि यूरोप मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है उसको फुलफिल चाइना कर रहा है। चाइना सस्ते दामों में प्रोडक्ट को यूरोप मार्केट में बेच रहा है, जिसका मार्केट सबसे ज्यादा इंडिया के पास था वो मार्केट धीरे धीरे करके चेंजिंग हो रहा है, और जिसके चलते जो डिमांड है वो डिमांड घट रहा है, और डिमांड घटने के कारण तो कंपनी का तो अर्निंग भी घटेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। अभी कंपनी के लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो 102 करोड़, तो यही सबसे बड़ा दिक्कत पॉइंट्स हो चुके हैं। जो कंपनी इतने दिनों तक तो ठीक ठाक प्रॉफिट कर रहा था, चलो यहां तक तो ठीक ठाक प्रॉफिट था, और फाइनली कंपनी नेक्स्ट प्रीवियस जो क्वार्टर गया Q1, तो वहां पे कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो गया था, इसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला।
अगर बिग करेक्शन के बारे में बात करूं तो देखिए भयानक एक गिरावट देखने को मिला, कंटिन्यूसली एक सेलअप देखने को मिला है। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि कंपनी के ऊपर जो सेलअप हुआ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, और कंटिन्यूसली सेलअप होने के बाद स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकडाउन भी करेगा, और नीचे साइड में अगर ट्रेड करे तो 538 जिसका प्रीवियस जो स्विंग लो है उस लेवल को वो टच कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसी रेंज को वो टच किए उसके बाद ऊपर गया, बम्पर ऊपर गया, तो मुझे लगता है इसी लेवल को फिर से टच करेंगे उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस है। अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो जब तक कुछ एंट्री लेवल्स ना मिले तब तक इस कंपनी के ऊपर शांति से बैठे रहिए, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमजीएल गैस, मतलब महानगर गैस लिमिटेड। तो एमजीएल जो है वो एक सीएनजी एलपीजी पीएनजी इस तरीके से नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी के ऊपर एक बैड न्यूज भी है। सिर्फ इस कंपनी के ऊपर नहीं, आईजीएल एमजीएल दोनों के ऊपर बैड न्यूज है। जब गवर्नमेंट एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया उसके कारण इस कंपनी का हालत बिगड़ गया। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर मैं देखूं तो आपको दिखा दूं कि लास्ट टू डेज में देखेंगे तो लास्ट वन मंथ के डेटा दिखा दूं, देखिए किस तरीके से भारी भरकम गिरावट हो, इतना शानदार गिरावट क्यों हुआ, इतना शानदार करेक्शन क्यों हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई तो ठोस रीजन होना चाहिए। चलो वो रीजन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सिर्फ आईजीएल के ऊपर नहीं, एमजीएल के ऊपर नहीं, आईजीएल और एमजीएल दोनों कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे बिग करेक्शन हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव ईवी पॉलिसीज। अभी ईवी पॉलिसीज क्या है कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने सारे गाड़ियां हैं दिल्ली में, सबसे ज्यादा आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन कोई भी इंडिया में किसी भी स्टेट में हो रहा है वो है दिल्ली में, और इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि हर गाड़िया ज्यादा से ज्यादा गाड़िया को वो ईवीज में कन्वर्ट करे। तो ईवीज अगर गाड़ी में कन्वर्ट हो जाए तो एक बात तो क्लियर हो जाएगा, जो पॉल्यूशन से वो बहुत कम हो जाएगा। आपकी ये बात तो सही है, अगर इस ईवी से आईजीएल एमजीएल को खतरा क्यों बना, क्योंकि देखिए मार्केट अगर ईवीज में चलेंगे तो सोचिए जितने सारे इसका एलपीजी जो गाड़िया था, एलपीजी सीएनजी के ऊपर जो गाड़िया थे, वो गाड़ी का बिजनेस कम हो जाएगा तो गाड़ी का डिमांड कम हो जाएगा, उसके साथ साथ इसका जो एलपीजी और सीएनजी का जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इसके चलते मुझे लगता है गवर्नमेंट के इस डिसीजन में कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर आप अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के ऊपर अपडेट रहिए, क्योंकि अपडेट ही आपको बचाएंगे, नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर आप सोच रहे कि मैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और मैं 10 साल तक सो जाऊंगा, तो देखिए 10 साल में आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आप रोडपति भी बन सकते हैं। देखिए डिसीजन आपका है, आप लीजिए डिसीजन आपको क्या करना है। तो रही बात इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूं, देखिए एक लेवल मैंने आपको मेंशन करके दिया था कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली लेवल था। देखिए आप एक बॉक्स फॉर्मेट में एक ट्रेड हुआ था कंटिन्यूसली, देखिए वो जो ट्रेड बना था वो हायर लो अचीव कर रहा था, जो लो बना था वो कंटिन्यूसली हायर लो बनते जा रहे थे, और इस हायर लो को कंफर्मेशन हुआ इस लेवल को जब ब्रेकआउट करे। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जब ब्रेकआउट किया तब कोई ब्रेकआउट में एंट्री मत लेना, क्योंकि इस तरीके से ब्रेकआउट आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लंबा कैंडल जब बनता है कभी ना कभी करेक्शन होगा, उस करेक्शन के लिए इंतजार करना, और रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बने तो आप एंट्री लेना। तो मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था और मेरा टारगेट कुछ इस जगह पे था, तो इजिली यहाँ पे टारगेट बन चुके थे और मैंने यहाँ पे एग्जिट भी लिया। और फाइनली देखिए फिर से एक बार एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है और बार बार वो इस लेवल को टच करने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल को वो फाइनली ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड टाइम एक बार दो बार तीन बार टच करे, तो जब थर्ड टाइम टच होता है तो हायर चांसेस है वो रिवर्सल अगर ना होकर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई नया एंट्री नहीं लूंगा, जब तक कोई फ्रेश एंट्री ना बने, कोई फ्रेश ट्रेड ना बने तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि इस कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक नहीं आया, तो रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट कब आएगा उसका डेट भी मैं मेंशन कर देता हूँ, उसका रिजल्ट का आपको डेट दिखेगा 25 अक्टूबर, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आने के बाद ही आपको सब कुछ पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसके बारे में बात करूं तो उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक फूड मतलब एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट कुछ स्प्लिट जैसा है, कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो इसमें आप खुश मत हो जाना कि एक के बदले 10 शेयर मिलेगा, तो प्लीज स्टडी करके रिसर्च करके ही काम करना। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।